आधी छोटी चम्मच जीरा, जीरे को हम अच्छे से चटकने देते हैं। अब डालेंगे लंबे स्लाइस में कटी हुई प्याज, प्याज हमने एक मीडियम साइज की ली थी। प्याज को हम कच्चापन निकालने तक फ्राई करेंगे और डालेंगे इसमें एक छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और आधे चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब डालेंगे इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब डालेंगे इसमें दो मीडियम साइज के लंबे स्लाइस में कटे हुए टमाटर, और टमाटरों के हमने बीज हटा दिए थे, उनको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। टमाटरों को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाए टमाटरों को हम इतना ही पकाएंगे। और डालेंगे इसमें धनिया पत्ते बारीक कटे हुए, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये प्याज टमाटर वाली स्टफिंग हमारी तैयार है, इसको रख देंगे हम एक तरफ। इधर आटा हमने नमक डाल के पानी से सॉफ्ट डो तैयार कर लिया था और इसकी हमने लोइयां तोड़ ली हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने एक लोई लेके इसको गोल बना के सूखा आटा लगा लिया है। अब बेलन की मदद से इसको हम बेल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रोटी को हमने बेल लिया है। रोटी को हमने ज़्यादा ना पतला बेला है ना ज़्यादा मोटा बेला है। इधर हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है, इस पर हम रोटी को डाल देंगे। रोटी को हम पलट देते हैं। पलटने के बाद इस पर लगाएंगे हम देसी घी। आप रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। इसको हम फिर से पलटेंगे। इधर भी हम देसी घी को लगा देते हैं। इसको हम फिर से पलटेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रोटी हमारी इस तरह से सिकनी चाहिए, ना ज़्यादा कड़क होनी चाहिए ना ज़्यादा हमारी रोटी को कच्चापन होना चाहिए। इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम सारी रोटियों को ऐसे ही सेक लेंगे। इसको हम पलट देते हैं और इसके ऊपर लगाएंगे हम देसी घी। इसको फिर से पलटेंगे और इस तरफ भी हम देसी घी लगा देते हैं और इसी तरीके से हम सारी रोटियों को तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, रोटियों को हमने तैयार कर लिया है। इधर हम एक छोटा बाउल लेंगे और इसमें हम एक अंडे को तोड़ लेंगे। अब डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और इसको अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसी तवे पे हम एक चम्मच डालेंगे देसी घी और जो हमने अंडा फेंटा था उसको हम डाल देंगे। अब रखेंगे उसके ऊपर हम एक रोटी जो हमने बना के तैयार करके रखी थी। इसको अब हम पलट देंगे। ये हमारा तैयार है, इसको हम निकाल लेंगे। इधर फिर से हम एक अंडे को बाउल में तोड़ लेंगे और नमक डाल के इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। फिर से हम तवे पर डालेंगे देसी घी और फटे हुए अंडे को हम तवे पर डाल देंगे और इसके ऊपर हम फिर से रोटी को रख देंगे और इसी तरीके से हम रोटियों को तैयार कर लेंगे। तो अंडे लगा के हमने पराठों को तैयार कर लिया है। इधर हम फिर से तवे पे पराठे और अंडे को रख देंगे जो हमने बना के तैयार किया था। अब रखेंगे इसके ऊपर स्टफिंग जो प्याज और टमाटर की हमने बना के तैयार की थी। इसको एक साइड में अच्छे से फैला देंगे, इस तरीके से हमें रख देनी है। अब रोटी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको हमें एक रोल का शेप दे देना है और इसके ऊपर लगाएंगे हम फिर से देसी घी। इसको पलट देंगे और इस तरफ भी हम देसी घी को लगा देंगे। इसको हम फिर से पलटेंगे और दोनों तरफ से हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये तैयार है, इसको हम निकाल लेंगे।
इधर हमने दूसरी रोटी को भी ले लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे हम प्याज और टमाटर वाली स्टफिंग। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। इस पराठे को हम मोड़ देंगे। इसको हम फिर से मोड़ेंगे। इसको हम पलट देते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे हम फिर से देसी घी। इसको हम फिर से पलटेंगे। ये हमारा तैयार है और इसी तरीके से हम सारे रोटियों को तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, सारे रोल बन के हमारे तैयार है। तो ये एग रोलों को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चों के आप लंच टिफिन में भी रख सकते हैं। आप इसमें चीज़ और पनीर को भी ऐड कर सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसको हम सॉस के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।